स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है स्वच्छता। हम सभी का स्वाभिमान है स्वच्छता। हमारे भारतवर्ष की पहचान है स्वच्छता, और इसी पहचान को विश्व स्तरीय बनाने, सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और शहरों के बीच स्वच्छता के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 में शुरुआत हुई स्वच्छ सर्वेक्षण की। मात्र 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज वर्ष 2023 में 4,477 शहरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटेशन एवं क्लिनलीनेस सर्वे बनकर उभरा है। ये सर्वेक्षण 3 पैरामीटर्स के आधार पर कुल 9,500 अंकों के साथ शहरों में स्वच्छता की प्रोग्रेस का आकलन करता है। पहले सर्विस लेवल प्रोग्रेस में सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जैसे आयामों पर जोर दिया जाता है। दूसरे सर्टिफिकेशन पैरामीटर में ओपन डेफिकेशन फ्री और गार्बेज फ्री सिटी जैसे सर्टिफिकेशन के अंकों को जोड़ा जाता है, और तीसरे सिटीजन वॉइस में नागरिकों की प्रतिक्रिया से जुड़े अंकों के साथ सर्वेक्षण पूरा होता है। साथ ही मूल्यांकन पैरामीटर को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे गंगा टाउन, छावनी बोर्ड आदि। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ, जो गार्बेज फ्री सिटीज के सपने के उद्देश्य के साथ चुनी गई है, जिसका मूल्यांकन 4,477 शहरों, 92,720 वार्ड्स और करीब 1,20,000 साइट्स में ऑन कॉल और ऑन फील्ड वैलिडेशन मिलाकर 4 फेज में पूरा किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को सफल बनाने के लिए 4,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने वार्ड टू वार्ड जाकर मूल्यांकन को पूरा करने का कार्य किया, जिसके दौरान 19 लाख से अधिक ऑन फील्ड और 1.5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन नागरिकों की प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड अब लाइव है, जिसके माध्यम से सभी शहर एवं नागरिक अपने क्षेत्र में होने वाली सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग समेत अपनी सिटी या स्टेट रैंकिंग जैसी कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और आने वाले वर्षों में स्वच्छता को एक नए आयाम पर ले जाने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा आज 11 जनवरी को दिल्ली में हो चुकी है, साथ ही साथ वहां पर हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने इन पुरस्कारों को भी प्रदान कर दिया है। अब बात करते हैं इस बार के टॉप पुरस्कार की। तो इंदौर शहर के साथ साथ सूरत शहर, दोनों शहरों को संयुक्त रूप से प्रथम अवार्ड मिला है। इस विषय में अगर मैं बात करूं तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही जानकारी दी थी, कहा था कि तैयारी करो मध्य प्रदेश वासियों, जुटे रहो, लगातार प्रयत्न करो, अन्यथा कोई और अन्य शहर आकर बाजी मार जाएगा। तो इन पुरस्कारों के लिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दे ली थी, और वही हुआ कि दो शहरों को एक साथ इस बार ये अवार्ड मिला है। खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सातवीं बार हमारे सभी मध्य प्रदेश वासियों को, जिन्होंने इंदौर को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और भैया, इंदौर वालों, राम भैया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा है। यहाँ की जो सफाई की भूमिका आप लोगों ने निभाई है, साथ ही साथ जितने सफाई कर्मी हैं और जितने भी अधिकारी गण हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं अगले इसी क्रम में किस प्रकार से यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हुई है। अब आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पल, जिसका हम सभी को इंतजार है, परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार वितरण। कृपया ध्यान दें, अवार्ड की उद्घोषणा के साथ ही एक वीडियो के माध्यम से पुरस्कार की जानकारी दी जाएगी, और उसके बाद अवार्डीज आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अवार्ड ग्रहण करेंगे। हम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जाता है पहली बार इंदौर एवं सूरत को एक साथ।
इंदौर एवं सूरत एक साथ भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इंदौर ने भारत की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीत लिया है। इंदौर में किया जाता है 6 बिन से डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन, जिसके चलते इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। और बायो सीएनजी प्लांट में कचरे को बायो सीएनजी में बदला जा रहा है। इंदौर की स्वच्छता में है दम, इसलिए इस वर्ष भी वो है नंबर 1। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को 7वीं बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें टीम इंदौर।